इटावा, कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है, इसलिए रमजान का अंतिम जुमा अलविदा जुमा की नमाज सभी लोग अपने अपने घरों में ही अदा करें। मस्जिद में 5 लोग से अधिक नमाज अदा नहीं करेंगे। आपको अपनी व अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। आज शहर में रैपिड एक्शन के साथ पैदल मार्च पर निकले सिटी मजिस्ट्रेट उमेश चंद्र मिश्रा, सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह व कोतवाली प्रभारी बचन सिंह सिरोही ने लोगों से अपील की। सुरक्षा की दृष्टि से आज पुलिस द्वारा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पूरे शहर में मार्च कर लोगों से अपील की कि वह मस्जिद में 5 लोग ही नमाज अदा करें, भीड़ इकट्ठा न करें और अपने अपने घरों में ही अलविदा की नमाज को अदा करें और सुरक्षित रहें। इस दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के चालान काटे गए तथा बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया और जो लोग घरों से बाहर दिखाई दिए उन्हें घरों में जाने को कहा गया। इस दौरान नौरंगाबाद चौकी इंचार्ज सनत कुमार, जसोदा रानी आदि मौजूद रहे। देखिए, सबको पता है कि कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का संक्रमण बहुत ही चरम पर है इस समय। हर व्यक्ति हर घर परेशान है, हमारा समाज परेशान है, तो अलविदा के लिए भी यही कहा गया है कि सामूहिक रूप से कोई भी नमाज अदा नहीं करेंगे, मस्जिदों में कोई नमाज अदा नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो 5 लोगों से ज्यादा नहीं करेंगे और फिर अपने घरों में नमाज अदा करेंगे, सबके लिए कहा गया है और आशा है कि लोग पालन करेंगे भी और नहीं करेंगे तो भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है और अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं उनको टोकाटाकी हो रही है, उनसे कार्रवाई की जा रही है। ये मैसेज आपके माध्यम से जाना चाहिए पूरे शहर में कि अनावश्यक रूप से कोई शहर पर ना आए। आवश्यक काम है तो अवश्य निकलेगा, उसके काम आवश्यक है, जो जरूरी है, दवाई है, कोई बीमार है तो निकलेगा ही, वो उस पर हम लोग किसी को नहीं टोक रहे हैं। लेकिन जो लोग घूम रहे हैं, छोटे काम के लिए घूम रहे हैं, कार से घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, इस तरह के काम गलत है ये और समझाया जा रहा है और चालान किया जा रहा है। संवाददाता तस्लीम की रिपोर्ट। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।